नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें, लेकिन उससे पहले समझे कि वह होती कैसे है। सबसे पहले आप देखें कि आपके घर में स्क्रैप आइटम्स या क्लटर्स भरे पड़े हैं। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सामान आने वाले 6 महीने में हमारे काम आ जाएगा, या ये सामान नया है अभी इसे रख देते हैं, या इस्तेमाल हो जाएगा, किसने किसी के काम यह आ सकता है, जो पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। ऐसे बहुत सा सामान जो 6 से 8 महीने में काम नहीं आना, वह सब नेगेटिव एनर्जी को ही फैलाता है। और हम सोचते हैं कि लाइफ में क्यों नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए आप समझे इसे। अगर आपको पितृदोष है तो आप देखना, आपके घर में अगर पुराने पीतल के बड़े बड़े बर्तन जो आपके दादा परदादा के समय के थे, या उनकी कोई किताबें या उनके कोई कपड़े जो आप लोगों ने निशानी समझ के रखा है, आप या तो उसे इस्तेमाल करें या आप उसे किसी को दे दें जो किसी के काम आ सके। आप खुद देखेंगे कि नेगेटिव दोष से आपको राहत मिलेगी। दूसरा, अगर आपके घर में अनऑर्गेनाइज अलमारी है, यानी कि पुराने सामान के ना होने पर भी आपकी अलमारी में सब सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, तो ये भी आपको एंजाइटी और स्ट्रेस देगा, ये नेगेटिव एनर्जी भी देता है। तो आपको अपनी अलमारी, टेबल, प्लंग सब को ऑर्गेनाइज करके रखना है। अगला, आपके घर में अगर अनटाइडी एनवायरनमेंट है, जैसे आप एक 5-स्टार होटल में जाते हैं तो रूम में जाते ही आपको कैसी फ्रेश और पीसफुल एनर्जी लगती है, ऐसे ही आप अपने घर के रूम को फ्रेश रखें और क्लीन रखें, अपने वॉशरूम को क्लीन और ड्राई रखें। आप भी खुद देखेंगे कि आप खुद को कितना फ्रेश फील करते हैं। एक और, अगर आपके घर में अंधेरा सा रहता है और रोशनी भी कम रहती है, तो भी आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में डार्कनेस है या स्लो है, बहुत ज्यादा ग्रोथ पर फोकस भी नहीं है, तो आप अपने घर में शाम के समय में रोशनी रखें, लाइट जलाएं। आप खुद देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को घर में पैक रखते हैं, बंद रखते हैं, खिड़की दरवाजे भी बंद रखते हैं, ये भी नेगेटिव एनर्जी को दावत देना है। घर में हवा, सूरज की रोशनी आने से माइंड फ्रेश रहता है और पॉजिटिव वाइब्स आपकी बनी रहती है। इसीलिए आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए अंधकार को अपने घर से दूर करें और फ्रेश एयर और खुशबू को घर में आने दें। तो आज हमने जाना कि घर से कैसे नेगेटिव एनर्जी को हम खुद ही दूर कर सकते हैं। तो हम अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भी वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।